हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे जूनियन लेंजॉल टैबलेट के बारे में। देखो, जो जूनियन लेंजॉल टैबलेट है वो स्पेशली बच्चों के लिए यूज किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको गैस की प्रॉब्लम होती है या उनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है या बहुत ज़्यादा गैस बनाने लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये टैबलेट यूज किया जाता है। पूरे विस्तार से समझेंगे आगे हम वीडियो में। उससे पहले हम जानेंगे जूनियन लेंजॉल टैबलेट के बारे में, क्या कंपोजिशन डाला गया है, इसका डोज कैसे लेना है, खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट होगा, उसके अलावा कितने रुपए का आएगा, कहां पर मिलेगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बात करें जूनियन लेंजॉल की, तो सिप्ला नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। सिप्ला जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो कंपोजिशन डाला गया है वो है लेंसोप्राजोल, जो कि एक पीपीआई है, बच्चों के लिए यूज किया जाने वाला पीपीआई। पीपीआई बोल सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि एक गैस बनने से रोकता है। अब देखो, जो लेंसोप्राजोल है उसमें 15 mg का आता है और 30 mg का आता है, दो स्ट्रेंथ आता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वो जो अपना जूनियन लेंजॉल टैबलेट है ये 15 गोली का आता है और इसकी जो प्राइस होती है करीब करीब 140 रुपये की है। तो आपको एक गोली जो है 10-11 रुपये में आपको पड़ेगी। अब देखो, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको ये दिया जाता है। बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि गैस बन रहा है। तो गैस बनता है तो वो खाना नहीं खाते हैं, रोने लगते हैं या पेट पकड़ के पेट दर्द होने लगता है, खट्टी डकारें आती हैं या वोमिटिंग कर देते हैं, दूध को भी उबाल देते हैं, तो अपने को पता नहीं चलता है। तो उन केसेस में आप जूनियन लेंजॉल टैबलेट दे सकते हैं। उसके अलावा जो अल्सर होता है, यानी पेट में छाले पड़ जाते हैं बच्चों को किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसमें भी ये दिया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन के साथ कोप्रिसिएशन दिया जाता है कि गैस ना बनाए। और आप स्पेशली देखोगे जब बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो बहुत सारी सिरप लिखते हैं, तो उसमें से आप ये टैबलेट दे देंगे कि बच्चे को कहीं गैस ना बनाए। तो को प्रिस्क्रिप्शन भी जूनियन लेंजॉल दिया जा सकता है। अब देखो, इसको पीने से कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है और खाने से भी इसको ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत रहेगा कि आपको वोमिटिंग होगी और आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, उसके अलावा थोड़ा सा दुख घूमेगा, और कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका देखा नहीं गया है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है दिन में एक बार लेना रहता है। आप दिन में कभी भी एक बार इसका डोज ले लें, अब बच्चे को दे दें और आपके बच्चा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अब देखो, इसमें दो स्ट्रेंथ आता है, एक जो है 15 mg का है, एक 30 mg का है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से लेके 10-12 साल तक का है तो उसको 15 mg ही दिया जाता है, और जो 12 साल से बड़े हैं, 15 साल 18 साल, तो उनको 30 mg दिया जाता है। तो इस तरह से डोज इसका दिया जाता है और दिन में एक बार 2 से 3 दिन ही देने पे आपका जो भी गैस की, आपके बच्चे की जो भी गैस की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से इसका डोज दिया जाता है। अब देखो, ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या रहता है, वो दवा खाते नहीं है, तो इसको आप किसी भी चीज़ में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, तो आप उसको पिला सकते हो। तो इस तरह से इसका डोज देते हैं, इसको निगलना नहीं रहता है। छोटे बच्चों को पानी में डाल दोगे तो भी घुल जाएगा, आप पी लो। तो इस तरह से इसका डोज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो स्पेशली ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए पेंटाप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, रेनिटिडीन है, बहुत सारे जो पीपीआई हैं, उसी तरह से इसमें आपको ये छोटे बच्चों के लिए है, जो कि अपना लेंसोप्राजोल है। इसमें बहुत सारी कंपनियों द्वारा आता है और बनाया जाता है। और इसमें एक इंडिकेशन है, जैसे कि जो बच्चा 1 साल से छोटा है उसको ये पीपीआई नहीं दिया जाता है या लेंसोप्राजोल नहीं दिया जाता है, फिर भी कुछ डॉक्टर देते हैं, बट देना सेफ नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी जूनियन लेंजॉल टैबलेट की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो।